सब्सक्राइब कीजिए क्लस्टर कैरियर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में क्लस्टर करियर। और आज मैं लेकर आया हूं अपने जितने भी इग्नू फ्रेंड्स हैं उन सबके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो। इस वीडियो में आपके मैं एक बहुत ही छोटे से डाउट जो आजकल जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैंने देखा है एक्सपीरियंस किया है उनके बीच में बहुत ही कॉमन डाउट रहता है उनके दिमाग में, तो आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप मेरे वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इसी तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो डाउट बने रहते हैं बच्चों के बीच में उन पर बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वीडियो का मैं बता दूं कि मैं आज वीडियो बताने जा रहा हूँ कि जैसे एग्जाम आने वाले हैं, जून में सेमेस्टर एग्जाम है और इस टाइम पर काफी सारे बच्चे एग्जाम देंगे, जिनका जुलाई सेशन है वो भी एग्जाम देंगे और जिनका जनवरी सेशन है वो भी एग्जाम देते हैं अपना कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए या रेगुलर जिनका सेमेस्टर चल रहा है उसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इग्नू में कौन से टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं। जनरली आप और हम सब जानते हैं कि जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड में उनके फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, तो वो टाइप के बच्चे यहाँ पर इग्नू में पढ़ने आते हैं। तो इस टाइप के बच्चे हैं। अब इनमें कॉमन चीज क्या चीज है, आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है वो काफी कम होती है, जिसके कारण इनके पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, एग्जाम देने में थोड़ा इनको प्रेशराइज रहते हैं कैसे एग्जाम दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहली बात कि एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन और जो कि कॉमन ऑप्शन है वो है आप बुक पढ़ के दें। इग्नू की बुक स्टडी मटेरियल आप सभी को मिली होगी, आप सभी के घर में होगी, और कुछ हैं बच्चे जिनको नहीं मिल पाती है इग्नू की वजह से, काफी लेट होता है स्टडी मटेरियल मिलने में, तो वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन लेके चलेंगे, सबके पास बुक आ चुकी होगी। तो या तो आप एग्जाम अपनी उस बुक को पढ़ के दे दीजिए, क्योंकि बुक बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको उस बुक से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको काफी हेल्प होगी उस एग्जाम देने में, उसको पढ़कर एग्जाम देने में, तो ये तो आपका कॉमन ही हर बच्चा जानता है। लेकिन उसके अलावा क्या जो बच्चे नहीं एग्जाम नहीं पढ़ पा रहे, उनके पास टाइम नहीं है, वो कैसे दें? तो उनके लिए मार्केट में क्या ऑप्शन है, आप देखेंगे उन बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं, उनके दिमाग पर भी चढ़ चुका है। दो बुक का नाम है यहाँ पर, एक तो आती है हमारे सामने मार्केट में नीरज की बुक आती है जो काफी अच्छा वेल नोन ब्रांड है, और दूसरा वेल नोन ब्रांड है हमारे सामने आता है गुली बाबा। ये दो बुक काफी ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, इग्नू स्टूडेंट के बीच में, और सबके दिमाग मुंह पे चढ़ा भी हुआ है, दिमाग में भी है काफी ज्यादा कि इनसे कोई पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं। ये बुक करती है कैसे हेल्पफुल है और किन के लिए हेल्पफुल है, तो मैं यहाँ पर बता दूं सबसे पहले किन के लिए हेल्पफुल है। जो बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है पढ़ने का, बहुत कम समय है पढ़ने का टाइम उनके पास, कहीं जॉब करते हैं या फिर बिल्कुल मन भी नहीं है उनका, रेगुलर नहीं जाते तो टाइम नहीं मिल पाता, तो एग्जाम के जस्ट दो महीने तीन महीने पहले पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों में पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि कई कहते हैं गुली बाबा अच्छी है, कोई कहते हैं कि नीरज अच्छी है, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि कौन सी बुक बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपके लिए बात करता हूँ गुली बाबा। गुली बाबा में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर खासियत क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं लेटेस्ट के, इसके साथ साथ आपको पुराने भी काफी पुराने ईयर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इसमें कि एडवांटेजेस है कि आपको पुराने ईयर्स में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि टीचर के पास टाइम नहीं होता क्वेश्चन बनाने का, ठीक है, तो वो क्या करते हैं रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखेंगे पुरानों में से रिपीट होकर आ जाते हैं और आप आराम से इजिली वहां पर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कि आपको एडवांटेज मिलेगा इसमें, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत, क्योंकि इस बुक में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे होते हैं, आपको चैप्टर के बारे में नहीं बताया गया होगा। आप पहला पन्ना खोलेंगे आपको इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स के बाद से सिर्फ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और कुछ शुरू नहीं होता। क्वेश्चन के बगल में या तो लिखा रहेगा कि टर्मिनल क्वेश्चन है बुक से उठाया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ था यही लिखा रहता है, या कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो वो उनकी तरफ से अपने बना के दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी टाइप का, मतलब ऑल एंड ऑल सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे, क्वेश्चन उनके सॉल्व के अंदर होता है। मैं देखता हूँ कि इसमें इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो इसके अंदर आंसर्स लिखे होंगे इनकी वोकैबुलरीज काफी अच्छी होगी। वोकैबुलरीज का अच्छा होने का मतलब है कि अगर आप उस आंसर्स को पढ़कर जाते हैं और पढ़ने के बाद याद रखने के बाद उसको जाके एग्जाम में लिखते हैं, और जब आपका एग्जामिनर आंसर शीट देखता है तो उस पॉइंट पर एग्जामिनर आपसे काफी इंप्रेस हो सकता है आपकी आंसर शीट पढ़कर। वो देखेगा कि आपकी काफी अच्छी वोकैबुलरीज है, काफी अच्छा बच्चे ने मेहनत की, काफी अच्छा टैलेंटेड है, तो आपके मार्क्स गेन हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर इसका, ये डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे मैंने फील किया, हो सकता है आप में से किसी ने फील ना किया हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने भी फील किया कि गुली बाबा की बुक्स जल्दी मिल नहीं पाती हैं, मिलती में तो हर सब्जेक्ट की नहीं मिल पाती है, ठीक है, बुक्स अच्छी हैं लेकिन जल्दी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर इसका ये ड्रॉबैक है।
मुझे तो लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता हो, कई स्टूडेंट यहाँ पर मिलेंगे जिन्हें कहेंगे हमें तो मिलती है, हमें तो मिलती है। तो ये मुझे पॉइंट जो है कॉमन दिख रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दोनों का मिलाकर। मेरे पास बुक आती है, हम बात करते हैं नीरज की। नीरज की मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर आपके जस्ट प्रीवियस से जितने भी मंथ के होते हैं, दो बार होते हैं आप जैसे जानते हैं, एक बार पेपर होता है दिसंबर में, एक बार पेपर होता है जून में। तो दोनों का एक बैक टू बैक पिछले बैक के सारे क्वेश्चन पेपर आपको लेटेस्ट में मिल जाते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर आपको पहले से स्टार्टिंग के अंदर मैं देखूंगा कि आपको सबसे बढ़िया चीज मुझे इसकी लगती है वो क्या है कि आपको इसमें समराइज करके जिस भी सब्जेक्ट की आप बुक उठाएंगे उस बुक के जितने भी चैप्टर होंगे उन चैप्टर्स का समराइज करके कंटेंट को दे रखा है, लिख के बता रखा है। आप सबसे पहले उस चैप्टर के समरी को पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक वाइज बता रखा है, बहुत बड़े ब्रॉड करके नहीं बताया, छोटे छोटे में आपको समझा दिया है और उनके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। एंड में जाके आप इसमें आप जाके क्वेश्चन पेपर को पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। पॉइंट देखना चाहूंगा कि इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स मैंने फील करी है। वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है प्रिंटिंग मिस्टेक्स, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन कुछ होता है आंसर कुछ और छप जाता है। तो वो है नीरज में ये काफी ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ जानबूझ के तो करने प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर लगती है कि अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये कहीं भी आपको ये बुक मिल जाती है इजिली। ऑल इन ऑल मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपको दोनों किताबों का देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि मेरे पास इस टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास दो बुक है, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर दो बुक है, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। बीएसएचएफ ह्यूमैनिटी के ऊपर है दोनों बुक और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने पहले इस बुक से पढ़ाई करके एग्जाम दिया है, उसके बाद मैंने दोबारा री एग्जाम दिया है नीरज को पढ़कर। तो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैंने बता देता हूं अपना है, हो सकता है किसी के साथ नहीं हो। मैंने जब गुली बाबा पढ़ी तो मेरे काफी अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि मैंने इसमें फील किया कि सिर्फ क्वेश्चंस पढ़कर आप सीधा एग्जाम देने बैठ जाएं तो हो नहीं सकता। तो ये बुक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का, जो स्टडी मटेरियल से पढ़ के नहीं जाते, तो ये बुक वो बिल्कुल ना लें क्योंकि उन्हें समझ में कुछ नहीं आने वाला, बिना इसके कुछ पता नहीं चलेगा। ये उनके लिए बेस्ट बुक है जो बच्चे स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं और इसको पढ़ लेंगे तो उनके बेस्ट मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बुक उनके लिए एक तरीके से जादू का काम करेगी, जो उनके पढ़ाई उसमें मेहनत में का बहुत अच्छा फायदा देगी। दूसरी बुक है यहाँ पर नीरज की, नीरज उनके लिए बनी है। मैं बता दूं जो बच्चे बिल्कुल टाइम नहीं है, 2-3 महीना पहले पढ़ना चाहते हैं, इसके सबसे पहले आप चैप्टर के कंटेंट पर जाइए, समराइज जो है कर रखा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको दोबारा सबसे फ्रंट में आइए, फ्रंट में क्वेश्चन पेपर दे रखा है, क्वेश्चन के आंसर्स को आप पढ़ पढ़ के याद करके जाइए, आपका एग्जाम ऑन एन एवरेज ठीक जाएगा, 50 मार्क्स तक आप गेन कर लेंगे, 50-60 आराम से ले आएंगे, पास हो जाएंगे, उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था, मैंने आपको शेयर कर दिया, हो सकता है आपका मेरे कई लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये एक्सपीरियंस होगा। मैंने आपको बता दिया, आपके कंफ्यूजन दूर कर दिए, अब आप अपने आप से सोच कर एनालाइज कर ये देखिए कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाकर कोई भी जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके बुक खरीद सकते हैं। नीरज की भी है, गुली बाबा की भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी ऑनलाइन, वैसे नीरज की ज्यादा मिलती है, ठीक है। और नीरज दोनों की मैंने फायदे आपको बताई दी, आप लोग अपना खुद दिमाग लगा लीजिए कि अपने जरूरत के हिसाब से देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो, और मुझे कमेंट में बताइए जरूर कि आगे आप और किस तरीके की छोटी सी जो डाउट आपके मन में आती है उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी बड़ी डाउट के ऊपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो जल्दी मुझे बताइए।